नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सोहनलाल बागड़ा। विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो में क्लास थर्ड का फिफ्थ लेसन है बहादुर भीतो। ये एक पंजाबी लोक कथा है, लोक कथा लोक में प्रचलित कथा है बहादुर भीतो। एक किसान था, ये भीतो उस किसान की बीबी का नाम है, पत्नी का नाम है, जो किस प्रकार से बहादुरी दिखाती है। किसान थोड़ा समझदार, सामान्य, सरल स्वभाव का था, और बल्कि उसकी पत्नी थी बीतो, वह बहुत बहादुर थी, और उसने किस प्रकार से बहादुरी दिखाई, ये अपन कहानी पढ़ रहे हैं, लोक कथा पंजाबी। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बीतो। एक किसान था, वो अपने खेत में खेती काम किया करता था, बल्कि उसकी पत्नी का नाम था बीतो। एक दिन किसान ने बीतो से कहा कि जब सुबह मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर मुझसे कहा, किसान, हे किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये कहानी कौन बताता है, ये बात है? किसान अपनी पत्नी, अपनी बीबी बीतो को बताता है कि एक दिन मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आया, उस शेर ने कहा कि आप ये बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये बात है, कौन किसको कह रहा है? ये बात है, किसान अपनी पत्नी बीतो को बता रहा है। बीतो ने फिर अपने पति किसान से पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, तुमने शेर को क्या जवाब दिया? ये देखो, ये तो किसान है और ये बीतो है, और वास्तव में बीतो यह शक्तिशाली बहादुर लग रही है। देखो, बीतो ने कहा कि फिर तुमने शेर को क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा यूं, तू यहीं रुके, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो मैंने कहा कि तू यहीं रुक कुछ समय के लिए, मैं घर जाता हूँ और अपनी गाय लेकर आता हूँ, अगर तू बैल को खा जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि मैं फिर बैल को खाने के बाद में हल चला नहीं सकता, खेत को जोत नहीं सकता, इसलिए हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो तू बैल को खा लेना और मैं उसकी जगह गाय को जोत लूँगा। ये सुनकर बीतो को बहुत गुस्सा आया। जब किसान घर जाकर ये पूरा घटनाक्रम अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी बीतो बहादुर थी, शक्तिशाली साहसी थी, इसलिए उसको सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, उसने अपने पति को फटकार लगाई, डांट पिलाई कि इतने कायर हो जो एक गाय को लेने यहाँ चले आए। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती है? कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध होगा, न लस्सी होगी, बच्चे रोटी किसके साथ खाएंगे? ये तुम्हारे समझ में नहीं आई? तो ये सब बातें कौन किसको कह रही है? किसान की पत्नी बीतो अपने पति को गुस्से के साथ में डांट पिला रही है कि एक मामूली शेर के कहने के बहकावे में आकर के उसे डर कर तुम यहाँ पर गाय लेने चले आए हो और उस गाय को शेर को खिलाओगे। बीतो को एक तरकीब सूझी, एक उपाय सूझ में आई। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, तो वापस शीघ्र खेत में जाओ और उस शेर से जाकर कहो कि मेरी बीतो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है, कि मेरी बीतो है, मेरी पत्नी है, वो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, वह तो बहुत कमज़ोर है, दुबली पतली है, उससे आपका पेट भी नहीं भर पाएगा, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, खाना भी अच्छे तरह से नहीं खवाओगे, पेट भी नहीं भर पाएगा। मेरी बीबी अभी लिए तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है, एक बहुत अच्छा तगड़ा मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो, घोड़े पर सवार होकर बीतो शेर के लिए आ रही। बीतो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ा बांध लिया और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गए। बीतो ने सिर पर एक पगड़ी बांध ली और व्यक्ति का रूप धारण करके, राजा का रूप धारण करके, हाथ में दराती लेकर के घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंच गई। घोड़े को दौड़ाती हुई, तेज गति के साथ में दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था ना कि तूने चार शेरों को फांस कर रखा है,
अपने जाल खेत में बंदी बनाकर रखा है। या तो सिर्फ एक ही है, या तो सिर्फ एक ही शेर है, बाकी कहाँ गए। अब देखो उसने चालाकी से, अपनी बुद्धिमान से, साहसी से, चालाकी से क्या जवाब दिया, किसान को क्या पूछती है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं है, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अच्छा कोई बात नहीं है, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो बीतों की ये बातें, साहसी धैर्यशाली बातें सुनकर शेर घबरा गया। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बीतों की ये बहादुरी की बातें सुन करके शेर घबरा गया और डर करके भागने लगा, कांपने लगा। उन्होंने सोचा कि ये तो चार चार शेरों को पकड़ने की बात कर रही है, इतनी शक्तिशाली, इतनी बहादुर कर रहा है, क्योंकि वह औरत नहीं दिखाई दे रही थी, वह राजा की पोशाक धारण करके आई थी। तो शेर उसकी ऐसी साहसी, बहादुरशाली या धैर्यशाली बातों को सुनकर घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बीतो बोली, देखा इसे कहते हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, तो हम अपना जीवन यापन कैसे करते। उधर मारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज ऐसे डरते हुए, कंपकंपाते हुए कैसे भाग रहे हो, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है, वरना तो आज मेरी जान भी खतरे में थी। आज एक ऐसी राक्षस से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है, चार चार शेरों का नाश्ता करती है, इसलिए वो मेरा नाश्ते के रूप में, मैं मुझे नाश्ते के रूप में ग्रहण करे थी, इसलिए उसे जान बचाकर मैं भाग कर आया हूँ। यह सुनकर भेड़िया हंसा, भेड़िए को हंसी आ गई और वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। यह सुनकर भेड़िया को हंसी आ गई और यह तमाशा वह झाड़ी में छिपकर देख रहा था, पूरा तमाशा देख रहा था कि कौन किसान है, कौन उसकी पत्नी बीबी बीतो है, और किस प्रकार से उसने घोड़े पर सवार होकर वो राजा का रूप धारण करके आई थी, और किस प्रकार से शेर को अपनी बहादुर से हिम्मत से भगाई थी। ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरा मामला भेड़िया झाड़ी में छिपकर देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, अरे भोले बादशाह, भोले जंगल के राजा, वह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। बोले बादशाह, वह कोई राक्षस नहीं थी, कोई हमेशा चार चार सिंहों का नाश्ता नहीं करती है, वह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षस समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बेल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। पहली बात तो उस राक्षसी का नाम सुनते हुए घबरा गया था, बल्कि कैसे जैसे भेड़िए ने उसको उत्साहित किया, उसको धैर्य, उसको विश्वास दिलाया, ढांढस बंधाया, तो कैसे जैसे कहने सुनने के बाद में शेर किसान के खेत में जाने के लिए वापस तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से एक बात कही, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, ताकि कोई समस्या है तो अपन दोनों उसका सामना कर सकते हैं, वरना क्या पता आप मुझे वहीं पर छोड़कर जान जोखिम में डाल करके तुम भाग जाओ और मैं वहाँ समस्या में फंस जाऊँ। दोनों जने पूंछ बांध कर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को और भेड़िया को देखकर किसान होश हवास गुम गए, उसके तो होश उड़ गए, वह घबरा गया और वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन बीतो बिल्कुल नहीं घबराई, क्योंकि बीतो में हिम्मत थी, धैर्यता, शक्ति, ताकत और साहस था, वह बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था ना कि तू अपनी पूंछ से चार शेर बांध कर लाएगा, कि भेड़िए तू तो अभी वादा करके गया था ना कि तू अपनी पूंछ से चार शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है,
लेकिन तू तो सिर्फ एक ही सेल आया और वह भी मरियल सा और वह भी मरा हुआ सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बीतो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर ने सोचा कि इस भेड़िए ने मुझे जाल में फंसाया है। ये भेड़िया भी इस बीतो के पक्ष में, इस राक्षसी के पक्ष में ही है। ये मुझे बहला फुसला करके इसके पास लेकर आ गया है। क्योंकि जब बीतो ने भेड़िए के पास में जाकर ये बात कही ना कि तू तो अभी वादा करके गया था कि मैं 4 शेर लेकर आऊँगा, तो जब ये बात शेर ने सुनी तो शेर समझ गया कि ये भेड़िया भी बीतो के पक्ष में है, ये भेड़िया मुझे मरवाना चाहता है। इतने में ये बात सुन करके शेर के होश उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा, तुरंत वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने एक भी नहीं सुनी। तेजी से भागता हुआ चला गया। किसान और बीतो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उसके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। उसे पता चल गया कि शेर अब उसके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। देखो इस चित्र में किस प्रकार से बीतो अपनी बहादुरी वीरता दिखाती है और भेड़िए और शेर किस प्रकार पूंछ बांध के आगे आगे डर के मारे भाग जाते हैं। इस प्रकार से हमें कभी भी शक्ति से घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कहानी से ये संदेश, ये शिक्षा, यही प्रेरणा मिलती है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। बल से बुद्धि बड़ी होती है। शेर ताकतवर था, शक्तिशाली था, बहादुर था, जंगल का राजा था, बल्कि किसान की पत्नी बीतो में क्या थी? बुद्धि थी। तो बुद्धि से काम लेती है और किस प्रकार हिम्मत धैर्य साहस जुटाती है और दोनों को असफल कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि बल से बुद्धि बड़ी होती है। इसी आधार पर एक कहानी शेर और खरगोश वाली किस प्रकार छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शक्तिशाली शेर को कुएं में गिरा दिया था। तो हमें सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। तो यह है किसान भोले कायर डरपोक किसान की पत्नी बहादुर शक्तिशाली बुद्धिमानी बीतो की लोक कथा कहानी। धन्यवाद।